हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि अगर हमें एक एमएस वर्ड के अंदर एक लोगो बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताए हैं कि अगर हमें एक प्रोफेशनल लोगो बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे। दोस्तों, अगर आप कंप्लीट कंप्यूटर को सीखना चाहते हैं तो आपके लिए चैनल बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपको इंस्टीट्यूट की तरह स्टेप बाई स्टेप वीडियो डालते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो दोस्तों, देखेंगे अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर आ चुके, और यहाँ पे सबसे पहले हम एमएस वर्ड स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, एमएस वर्ड स्टार्ट करने के लिए हम जाएंगे यहाँ स्टार्ट बटन पे। देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे स्टार्ट बटन दिया हुआ है और इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद दोस्तों नीचे ड्रैग करेंगे, और ड्रैग करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे ऑफिस 2013 दिया हुआ है। दोस्तों, जो वर्जन हम यूज करने वाले हैं एमएस वर्ड, वो हम 2013 वर्जन यूज करने वाले हैं। तो सिंपल हम इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करेंगे तो देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे हम वर्ड स्टार्ट करने वाले, एमएस वर्ड स्टार्ट करने वाले, तो सिंपल हम इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे हमारा एमएस वर्ड स्टार्ट हो जाएगा। सिंपल इसे हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, और जब ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। दोस्तों, यहाँ पर हमें लोगो बनाना है, लोगो को कैसे हम यहाँ पर डिजाइनिंग करेंगे वही आज हम सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जाएंगे सबसे पहले इंसर्ट टैब के अंदर। दोस्तों, देखेंगे यहाँ पे इंसर्ट टैब दिया हुआ है, और इस पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे शेप का ऑप्शन दिया हुआ है, और इस शेप पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे हमारे पास कुछ टूल्स बॉक्स यहाँ पे ओपन हो जाएंगे, और यहाँ पे देखेंगे एक टूल्स बॉक्स दिया हुआ है, और इस टूल बॉक्स पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से शिफ्ट के साथ ऐसे ड्रैग करेंगे। दोस्तों, शिफ्ट के साथ ड्रैग करेंगे तो हमारा जो ड्रैग होगा वो एकदम स्क्वायर में ड्रैग होगा, और जैसे ही हम ऐसा ड्रैग कर लेंगे तो देखेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, और यहाँ पे देखेंगे एक येलो कलर का यहाँ पे बटन आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ से क्या करेंगे, इसे जो आपको मोटा पतला यहाँ से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, इसे थोड़ा सा इतना पतला कर लेते हैं, और करने के बाद दोस्तों इसे क्या करते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं इतना। दोस्तों, देखेंगे हमारा इतना काम हो चुका है, और क्या कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे जाकर और थोड़ा सा इसे मोटा कर लेते हैं, और मोटा करने के बाद देखें दोस्तों, देखेंगे हमारा इतना काम हो गया। उसके बाद से दोस्तों जाएंगे यहाँ से फिल पर। दोस्तों, सेव फिल पर हम इसलिए जाएंगे ना, क्योंकि इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ का एक टैब फॉर्मेट टैब खुला था, वो यहाँ से हट चुका है, और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे फॉर्मेट टैब यहाँ पे ओपन हो चुका है, और इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे सेव फाइल का ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ से हम क्या करते हैं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, इसे वाइट कर देते हैं, और जो इसका आउटलाइन है दोस्तों, देखेंगे नीचे में आपको वाइट आउटलाइन मिलेगा, सेप आउटलाइन, और इसका आउटलाइन हम दोस्तों यहाँ से क्या कर लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा ब्लू कर लेते हैं। और दोस्तों, इसका आउटलाइन मोटा करने के लिए हम यहीं पर जाएंगे आउटलाइन के अंदर, और देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, और यहाँ से जाकर हम थोड़ा सा इसे ऐसे मोटा कर लेंगे। देखिए दोस्तों, और मोटा करेंगे, और थोड़ा जाएंगे और थोड़ा सा इसे मोटा कर लेते हैं। उसके बाद से दोस्तों हम आपको बताते हैं कैसे बनाते हैं। दोस्तों, देखेंगे इतना हमारा काम हो चुका है। उसके बाद से दोस्तों क्या करेंगे, हम इसे सेव करेंगे। दोस्तों, इसे सेव इसलिए करेंगे ना कि जब हम जाएंगे इंसर्ट के अंदर, और उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर वर्ड आर्ट में जाएंगे ना, तो हमारे पास कुछ इस टाइप का वर्ड आर्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों, हमें पुराने वाले वर्जन में काम करना है, पुराने वाले वर्जन में हमारा कैसा वर्ड आर्ट आता था वो हम आपको दिखाने वाले हैं। दोस्तों, ये जो वर्जन है 2013 वर्जन है, और इसके अंदर वर्ड आर्ट के अंदर हम गए तो देखेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस आया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, जाएंगे फाइल में, और फाइल में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर सेवेज कर देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ से सेवेज करेंगे, और इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ब्राउजर पर क्लिक कर और इसे सेव करेंगे। दोस्तों, देखेंगे यहाँ पे नीचे में यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट दिया हुआ है। दोस्तों, इस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, और यहाँ पे हम जो सेव करेंगे वो वर्ड 97 2013 टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से इसे सेव कर देंगे। दोस्तों, क्या करते हैं, इसका नाम कुछ अलग दे देते हैं, नहीं तो आप वही नाम रखेंगे, और सिंपल इसे क्या करेंगे, हम यहाँ से सेव पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों, देखेंगे यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, इस कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, और ये हमारा सेव हो चुका है। दोस्तों, यहाँ पे होम टैब टोटल चीज़ हमको वही देखने का मिलेगा, और उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे जाएंगे हम वर्ड आर्ट के अंदर, तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे हमारा कुछ इस टाइप का ऑप्शन आ गया। दोस्तों, पहले हम कुछ अलग दिखाए थे, लेकिन अब हम जब वर्ड आर्ट के अंदर गए तो हमारे पास कुछ इस टाइप का ऑप्शन आ गया।
सिंपल हम दोस्तों यहाँ पे जाएंगे दोस्तों, देखेंगे यहाँ पे और इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ हमारे पास ऐसा इंटरफेस आएगा। और दोस्तों यहाँ पे क्या कर लेते हैं, जिस नाम का हमें लोगो बनाना है उस नाम को यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो सिंपल हम यहाँ से MX कंप्यूटर लिख लेंगे और क्या करेंगे दोस्तों, इसे ओके प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। और दोस्तों इसे अभी हम ऐसे ड्रैग करेंगे ना तो थोड़ा ड्रैग नहीं होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, जब ऐसा हमारे पास आ जाएगा तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे रेप टेक्स्ट दिया हुआ है दोस्तों, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेंगे, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे। और उसके बाद से दोस्तों इसे नीचे ऐसे नीचे घुमाएंगे ना, नीचे करेंगे तो ये हमारा जो टेक्स है वो थोड़ा राउंडेड हो जाएगा। और इसे राउंडेड को यहाँ पे लाएंगे और अपने अनुसार दोस्तों यहाँ पे इसे एडजस्ट कर लेंगे। देखिए दोस्तों अपने अनुसार यहाँ पे एडजस्ट करेंगे और अपने से आप ऐसे सेट कर सकते हैं दोस्तों, इसको ऐसे क्या करेंगे आप अपने अनुसार इसे सेट करेंगे। और सेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ले आकर आप इसे अपने अनुसार यहाँ पे रख सकते हैं। देखिए दोस्तों थोड़ा सा इसे ऐसे सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद दोस्तों देखेंगे कुछ हमारे पास ऐसा इंटरफेस आ चुका है। और थोड़ा सा इसे ऐसे तीसा करेंगे और इसको थोड़ा यहाँ पे लाएंगे दोस्तों, देखेंगे हमारा इतना काम हो चुका है। उसके बाद से दोस्तों क्या करेंगे, हम जाएंगे फिर इंसर्ट टैब के अंदर और जाएंगे वर्ड आर्ट में। और इस बार दोस्तों हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम दोस्तों लिख लेंगे सिंपल गोपालगंज। तो सिंपल हम यहाँ पे गोपालगंज लिखेंगे और गोपालगंज, और उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे ओके पे प्रेस करेंगे। और ओके पे प्रेस करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और जाएंगे रेप टेप्स के अंदर और इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेंगे दोस्तों। और उसके बाद से दोस्तों क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा पतला करेंगे और पतला करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा चेंज शेप। दोस्तों इस चेंज शेप पे क्लिक करेंगे ना तो आपके पास कुछ इंटरफेस आएगा इस टाइप का। तो दोस्तों यहाँ पे जो हम यूज़ करने वाले शेप का वो इस शेप का यूज़ करने वाले हैं। तो दोस्तों इस शेप पे क्लिक करेंगे और इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा ऐसे हम रोटेट कर लेंगे और इसको थोड़ा ऐसे पकड़ेंगे यहाँ पे और थोड़ा सा इसे राउंडेड कर लेंगे। और दोस्तों इसको यहाँ पे लाएंगे और यहाँ पे ऐसे एडजस्ट कर लेंगे और इसको क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा और रोटेट करेंगे और थोड़ा सा इसे थोड़ा ऐसे करेंगे और इसको यहाँ पे लाएंगे सेंटर में। और सेंटर में लाने के बाद दोस्तों इसे थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं और बड़ा करेंगे और इसको थोड़ा सा यहाँ पे लाएंगे। और दोस्तों क्या करते हैं, हम जाएंगे यहाँ पे देखेंगे स्पेसिंग का ऑप्शन दिया हुआ है और इसे स्पेसिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो स्पेसिंग आपको थोड़ा सा बढ़ाना है स्पेसिंग आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं और कम करना है आप यहाँ से कम कर सकते हैं। तो दोस्तों सिंपल हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, यहाँ पर लॉस लगते हैं नहीं तो हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर नॉर्मल पर क्लिक कर देंगे। और दोस्तों देखेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया है और इसे क्या कर लेते हैं दोस्तों, और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और बड़ा करेंगे तो देखेंगे कुछ हमारा ऐसा देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों देखेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया और इसका कलर दोस्तों यहाँ पे जाएंगे शेप पे दोस्तों, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शेप का ऑप्शन आ जाएगा और फॉर्मेट का टैब ओपन हो जाएगा। और शेप पे जाएंगे और शेप पे जाने के बाद दोस्तों इसे ब्लू कर लेंगे और इसका आउटलाइन दोस्तों यहाँ से नो कर लेंगे। और दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जाएंगे शेप में और इसका कलर कुछ यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं और इसका आउटलाइन यहाँ से नो कर लेंगे। और उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे स्टार बना लेते हैं। तो स्टार बनाने के लिए हम जाएंगे इंसर्ट टैब के अंदर और जाएंगे यहाँ पे शेप में और शेप में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे में देखेंगे आपको स्टार मिल जाएगा और इस स्टार पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम एक स्टार को यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे। और दोस्तों इसी का एक डुप्लीकेट लेने के लिए आप यहाँ पर ले जाएंगे और कंट्रोल के साथ नीचे ड्रैग कीजिएगा तो आपके पास एक डुप्लीकेट बन जाएगा। दोस्तों इसका कलर हम चेंज करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जाकर यहाँ से इसका कलर कुछ इस टाइप का कर देते हैं और इसका आउटलाइन दोस्तों यहाँ से नो कर देते हैं और सेम कलर हम यही कर देते हैं और यहाँ से इसका आउटलाइन हटा देते हैं। तो दोस्तों देखेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया। उसके बाद से दोस्तों हमें नीचे कुछ लिखना होता है और कुछ डिज़ाइन बनाना होता है तो जाएंगे हम इंसर्ट टैब के अंदर दोस्तों, और इंसर्ट टैब के अंदर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे शेप पे जाएंगे और शेप पे जाने के बाद दोस्तों कुछ यहाँ पे हम टूल्स ले लेते हैं दोस्तों, ये टूल्स लेंगे और ऐसे एक ड्रैग कर लेंगे। देखिए दोस्तों ऐसे एक ड्रैग करेंगे और ड्रैग करने के बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पे आपको एक येलो कलर का टिक मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ से आप इसे बढ़ा घटा सकते हैं और इसे क्या कर ले, थोड़ा सा ऐसे पतला कर लेंगे और पतला करने के बाद दोस्तों इसका कलर कुछ हम अलग कर देंगे और इसका कलर दोस्तों जाएंगे यहाँ पे शेप में और इसका कलर यहाँ से हम ब्लू कर देंगे और इसका आउटलाइन दोस्तों यहाँ से हम वाइट कर देंगे। और वाइट करने के बाद दोस्तों इसमें हमें लिखने के लिए हम जाएंगे इंसर्ट में और जाएंगे वर्ड आर्ट में
और वर्ड आर्ट में जाने के बाद दोस्तों यहाँ से हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों एजुकेशन। तो सिंपल हम क्या कर देते हैं, एजुकेशन लिख लेते हैं और उसके बाद से दोस्तों यहाँ से ओके प्रेस करेंगे और इसे थोड़ा क्या कर लेते हैं, जाएंगे रेप टेक्स में और रेप टेक्स में जाने के बाद यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ टेक्स कर लेंगे और उसके बाद से दोस्तों इसे थोड़ा सा पतला करेंगे और इसका कलर कुछ हम यहाँ से वाइट कर लेते हैं और वाइट करने के बाद दोस्तों इसे यहाँ पर लाएँगे और क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे ड्रैग कर लेंगे और ड्रैग करने के बाद दोस्तों इसका आउटलाइन हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, नो कर देते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ से नो कर देते हैं तो कुछ हमारे पास ऐसा इंटरफेस आ गया। उसके बाद से दोस्तों इसके अंदर हमें कोई पिक्चर लगाना होता है, नहीं तो हमें कुछ बुक का पिक्चर लगाना होता है जिससे कि हमें लोगो देखने में एकदम सुंदर लगे। तो इसके लिए आप जाएंगे आप कोई भी ब्राउज़र पे और सिंपल यहाँ से आप जो भी लगाना है उसको आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, जाएंगे यहाँ पे और सिंपल क्या करेंगे, जाएंगे आप इंसर्ट ऐप के अंदर और यहाँ पे देखेंगे पिक्चर का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ से पिक्चर को यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं और इस पे पिक्चर पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद दोस्तों आप जहाँ पे भी पिक्चर को डाउनलोड किए होंगे वहाँ पे जाएंगे और जाने के बाद दोस्तों उस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इंसर्ट कर लेंगे। देखिए दोस्तों और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे आपको पिक्चर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों जब पिक्चर को आप इधर उधर ले जाएंगे तो नहीं जाएगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा, जाना होगा यहाँ पर रेप टेक्स्ट के अंदर और यहाँ पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना होगा। तो जैसे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे तो जो आपका टेक्स्ट है वो ऊपर हो जाएगा और इसको क्या करेंगे दोस्तों, ऐसे छोटा कर लेंगे। देखिए दोस्तों इस पिक्चर को ऐसे छोटा करेंगे और छोटा करने के बाद दोस्तों इस पिक्चर को यहाँ पे लाएंगे और लाने के बाद दोस्तों इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा करेंगे और बड़ा करेंगे और थोड़ा इसे बड़ा करेंगे। देखिए दोस्तों और इसे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लाते हैं और इसे थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों और इतना बड़ा करने के बाद दोस्तों अभी हमारा टेक जो पिक्चर है वो ऊपर है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा पिक्चर है वो पीछे चला जाएगा। देखिए दोस्तों अभी हमारा जो पिक्चर है वो पीछे चला गया। तो दोस्तों देखेंगे इतना हमारा काम हो चुका है। उसके बाद से दोस्तों क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे हम इंसर्ट ऐप के अंदर यहाँ पे और इंसर्ट ऐप के अंदर जाने के बाद दोस्तों यहाँ शेप पे जाएंगे और शेप पे जाने के बाद यहाँ से एक रेक्टेंगल लेंगे और ऐसे एक ड्रैग कर लेंगे। देखिए दोस्तों ऐसे एक ड्रैग करेंगे और ड्रैग करने के बाद थोड़ा सा इसे ऐसे छोटा करेंगे और इसे छोटा करेंगे और इसका यहाँ पे शेप कलर में यहाँ से इसे नो फिल कर देंगे और इसका आउटलाइन दोस्तों यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, रेड कर लेंगे और इसका आउटलाइन थोड़ा सा इसे बढ़ा लेंगे और ऐसे थोड़ा सा इसे मोटा कर लेंगे और उसके बाद से दोस्तों देखेंगे हमारा लोगो है वो यहाँ पे तैयार हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे एक सिंपल लोगो हम आपको बनाकर दिखाए और बहुत ही इजीली मैं आपको बनाकर दिखाए कि कैसे हम एक प्रोफेशनल लोगो बनाते हैं और एक सिंपल लोगो बनाते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते आगे के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।